बिहार के बारे में है, ये निर्णय उत्तर प्रदेश के बारे में है, ये निर्णय दो दो बार महाराष्ट्र के बारे में है। लेकिन इन्होंने आरक्षण के नाम पर उन्माद पैदा करने के लिए और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जो खेल खेला वो खेल बिहार की जनता समझ गई। तो बैठे हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कपूरी फॉर्मूला का विरोध कर रहे थे, ये मैं बताना चाहता हूँ। आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ की मांग को लेकर बीजेपी ने आज पटना सहित सभी प्रखंडों में धरना दिया। धरना के माध्यम से बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर पिछड़ों के साथ अन्याय करने और पिछड़ों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। बिहार में जब से नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा है तभी से एनडीए और महागठबंधन सरकार आमने सामने है। बिहार में सत्ताधारी दल महागठबंधन बीजेपी पर पिछड़े अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को पिछड़ों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। बिहार में ओबीसी आरक्षण की वजह से नगर निकाय चुनाव टलने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर साजिश करने का आरोप लगाया, तो इसे लेकर आज बीजेपी ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं का कहना है कि महागठबंधन सरकार जानबूझकर चुनाव लटका रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद सम्राट चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर पिछड़ों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए नगर निकाय चुनाव जल्द कराए जाने की मांग की है। एक बार आप भी सुनिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। हो रहे हैं और सबसे जो खराब बात हुई कि नगरीय क्षेत्र के सारे विकास के कार्य भी रुक गए हैं। अभी तक आचार संहिता भी स्थगित होने के बाद अभी तक आचार संहिता भी समाप्त नहीं हुई है और नगर का विकास बुरी तरह अवरुद्ध हुआ है। और आपने देखा होगा कि 2005 से हम सब एनडीए की सरकार में शामिल हैं, हमेशा अति पिछड़ों को चाहे पंचायती राज व्यवस्था में 20% का आरक्षण देने का बात हो, चाहे 1977 में भी जब कर्पूरी जी के साथ के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार में थी उसमें भारतीय जनसंघ भी घटक दल के रूप में अपने को मर्ज किया था और उसमें भी हम सबों ने 26% का आरक्षण की सहमति बनी थी। उसमें अति पिछड़ा पिछड़ा महिला एवं जो अगड़ी जाति के अति पिछड़े लोग थे उन्हें भी आरक्षण देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इसका हिमायती और इतना ही नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।